ये जी सामने काली माता, ये जी काली माता का मंदिर है। और आप मतलब अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम मौजूद हैं अपने एक विलेज के अंदर, और ये भी हमारे विलेज के साथ एक विलेज है जहाँ पर हिंदू बिरादरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अभी हम लोग आए हैं एक हमारी हिंदू बिरादरी है उनके घर पे, और आपको जो है वो चल के दिखाते हैं अंदर मंदिर। ये कुछ इस तरह से है, ये सारा ये गरीब आबादी है, और ये कुछ इस तरह से है यहाँ पर इनका रहन सहन। और ये भाई नाम क्या आपका? करण। करण नाम है आपका। तो माशाल्लाह यहाँ कितने अरसे से रह रहे? पाँच साल से यहाँ पर रह रहे। बड़े भाई अबू का नाम फकीरा। फकीरा, अच्छा। मम्मी का नाम है आसे। अच्छा, मुझे जी सारे आपके घर हैं सारे जितने भी? सारा हमारे। ये जी इनकी ये हिंदू बिरादरी यहाँ पर, और आपको चल कर दिखाते हैं आगे इनके जो है यहाँ पर मंदिर वगैरह हैं, यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। ये नवरात्रि चलती है तो इसके। अच्छा, नवरात्रि जो है आपकी चल रही है? हाँ। ये जी इस तरह है ये मंदिर का जो है, कहाँ पर रह? ये जी सामने काली माता। ये जी काली माता का मंदिर है। और आप मतलब किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं? ताल्लुक मतलब ये इधर से काफला जाता है अपना फतेह चौक पर, काली माता का मंदिर है ना, उधर काफला बड़ा निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, भंडारा भी होता है इधर। अच्छा, ठाकुर। अच्छा, आप ठाकुर ठाकुरों में से? हाँ, ठाकुर। अच्छा अच्छा, ये जी ठाकुरों में से हैं। और ये इस तरीके से ये रहते हैं सारे, ये कच्चे घर हैं इनके, ये इस तरीके से ये जी बने हुए हैं, कच्चे घर हैं सारे। तकरीबन उस तरफ जो है ये इस तरफ नदी नहर बहती है। और ये अंदर कोई है तो नहीं? ये जी इस तरफ, इस तरह ये लोग बेचारे रहते हैं, गरीब लोग हैं, गुजारा जो है वो करते हैं। ये जो है एक चरपाई है, ये चरपाई पड़ी है, और ये भाई का घर है। शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगेगा। ये जी इस तरह से है ये सारा। और ये 15 दिन है बस, उसके बाद फिर शरारत बड़ी होगी। अच्छा, हाँ। तो ये कितने दिन चलता है आपका? हमारा ये वो चलता है दो दिन चलता है। अभी वैसे भी मौसम के हिसाब से जो है मौसम भी ठंडा हो गया। और इसी हिसाब से आपका भी ये जो नवरात्रि, क्या कहते हैं आप इसको, नवरात्रि जो है ये आती है इस तरीके से। और ये जो है ये नवरात्रि के रखते हैं ना। अच्छा, मटकियाँ जो अंदर पड़ी है। अच्छा, इसके अंदर मटकियाँ पड़ी हैं? इसके अंदर नहीं, उस तरफ पड़ी है। अच्छा 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 अच्छा, मेहरबानी, थैंक यू। ये इस तरीके से ये सारे रहते हैं। और अब चलते हैं आगे जहाँ पर हमने जाना है। तो ये रास्ते पे गुजर रहे थे, भाई से मुलाकात हुई, इनकी शुक्रिया, इन्होंने हमें दिखाया ये सब कुछ, अपना जो है अपना जो रीति रिवाज है इनका। और चलते हैं आगे, आपको आगे दिखाते हैं। ये जी इस तरह बकरियाँ वगैरह चल रही हैं, और ये सा गाँव का माहौल है, बहुत खूबसूरत माहौल है गाँव का। और अभी यहाँ चलते हैं आगे, ये थोड़ा सा आगे का भी विज़िट करवाते हैं आपको, आगे का भी दिखाते हैं आपको। जो यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल में ये मस्जिद है या दरगाह शरीफ है, बहुत पुरानी, ये भी आपको विज़िट करवाते हैं, वहाँ चलते हैं। और ये कुछ इस तरीके से ये जी गांव का माहौल है, सामने ये अमरूद वगैरह के बागात हैं। और अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। ये जी हम अभी पहुँचे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जो है ये जगह है, नाम हमें फ़िलहाल पता नहीं है इसका, यहाँ पर हम अभी नए आए हैं। और आपको दिखाते हैं अंदर से मज़ीद जो है, अंदर भी चलो। हाँ, ये है जी सैयद जीवन शाह, इस तरह से कुछ। और हमारे गफार भाई तो फौरन जो है वो, ये दरगाह है, दरगाह है, एक मिनट। ये
साईं हजरत जीवन शाह दाई की दरगाह। हाँ भाई, हाँ मुझे ना मस्जिद भी हम दिखाते हैं। गफर तो जाओ यार जल्दी कर। ये जो मस्जिद भी आपको हम दिखाते हैं, इस तरफ जो है इसकी बैक साइड पे जो है वो कुछ अच्छा। ये तो साथ में मस्जिद है, साथ में मस्जिद है और ये साथ में थोड़ा सा जो है ये बाग है। बहुत खूबसूरत विलेज है। हाँ ये जी ये जी कुछ इस तरह से। और अभी हम जा रहे हैं आगे, आपको मज़ीद आगे भी दिखाते हैं। तो अभी चल रहे हैं आगे, इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी जगहों पर लेके चलते हैं। हमारा जो है ये जी कुछ गांव के लोग जो है वो चावल को काट रहे हैं। ये जी सामने कटाई हो रही है चावलों की। ये कौन से चावल हैं? ये लाल वाले, वो जिसको एरी चावल कहते हैं? नहीं दूसरे जो निबार होते हैं ना लाल। जी 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 अच्छा सी। ये लाल चावलों की जो है ना कटाई हो रही है और थोड़ी जो है ना इस तरीके से ये यहाँ पर लोग अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये गरीब लोग। ये भाई ये देखा आपने अभी आप लाल चावल है? हाँ ये लाल चावल हैं और ये इसको मतलब एरी चावल कहते हैं। इससे आटा आटा मेरे ख्याल में आटा बनता और वो जो है पकाने के इस्तेमाल में आता है। और ये इस तरीके से हैं यहाँ पर लोग बेचारे जो हाँ मजदूरी कर रहे हैं। और आगे जो है तकरीबन सारे ही यहाँ कटाई हो चुकी है, इस तरफ कटाई हो चुकी है, बस ये थोड़ी बहुत जो है वो रहते हैं कटाई कर रहे हैं। ये जी कुछ इस तरह से सामने नलका लगा हुआ है और ये छोटी सी एक मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और ये हम इस तरफ आए, हमने कहा थोड़ा बैठते हैं, अंकल की जो है कोयलों वाली चाय वो ज़रा पीते हैं। अंकल जी कोयलों वाली चाय पका रहे हो? और ये अंकल जी कोयलों वाली चाय पका रहे हैं। इससे पहले भी हम एक दफ़ा आए थे अंकल के पास और अभी फिर दोबारा आए हैं। और अंकल की जो है ना चाय मैंने सुना बहुत अच्छी है। अंकल आपकी तारीफ में बहुत दूर तक हो रही है। बड़ी मेहरबानी भाई। ये जी ये अंकल अच्छा, ये इसके साथ जो है छोटा सा हाल है और साथ गिरा था। अच्छा दीवार आलम साथ गिरा, उसमें आपके बच्चे जो है बच्चे दीवार पे ना। अच्छा 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 अच्छा। चलो चाचा अंकल आपकी आपके जख्म ताज़ा कर दिया हमने। ये जी अंकल अपनी दास्तान सुना रहे थे और ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं भाई। सादा सा एक होटल है, देखो सादा सा होटल है क्योंकि सादा सा एक गांव है तो सादा सा एक होटल है। ये साथ में केबिन है और ये कुछ इस तरह से जो है एक वो साथ में ज़मीनें हैं और उसके साथ ही जो है ये आपको विलेजेस में अमूमन ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती जो हम इस विलेज में नज़र आई। तो हम रुक गए, हमने कहा नहीं हमने विलेज की जो है वो वीडियो बनानी है। ये चारों तरफ विलेज है और ये जानवर देखें चारों तरफ गाय भैंसे और ये स्नोकर और ये भाई की है
ये जी सामने भाई खड़े हैं, ये इनकी स्नूकर है। अस्सलाम वालेकुम। और जी यहाँ खेलने भी आते हैं लोग? नहीं आते हैं लोग खेलने के लिए। तो ऐसा 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 माहौल है आपका, और उसमें ऐसा मतलब बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत लगता होगा। हाँ यहाँ पर शाम को रश लगा होता था होगा। हाँ ये जी इस तरह ये स्नोकर है, और मैं खुद हैरान हो गया। भाई को मैंने रोका, मैंने कहा यार रुक यार वफार भाई, हमने रास्ते में स्नोकर देखी है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इस तरह जो है ये देहाती माहौल है। ये इस तरह बकरियाँ हैं, और बिल्कुल एक मतलब देहात है, और स्नोकर जो है इस तरफ। तो ये जी कबूतर भी हैं सामने, इन्होंने कबूतर भी रखे हैं ये सामने। कौन सी नस्ल के हैं ये? बहुत पत्ती वाले हैं ये भी। ये जी कबूतर हैं, और ये भाई के हैं। और ये सामने जो है नहर के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है, जिसके ऊपर लोग ये नहर क्रॉस करते हैं, सिर्फ जाते हैं। ये गांव का खूबसूरत माहौल, और ये जो है खूबसूरत विलेज है यार, बहुत ही खूबसूरत विलेज है। यकीन कर हम दूसरी दफ़ा यहाँ आए, बहुत ही खूबसूरत विलेज है। भैंसों की भरी, भैंसे भी दिखाना।